हेलो दोस्तों तो जनवरी का जोग्रफी का प्रीक्योर देखते हैं करंट अफेयर्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मंथ है बहुत ज़्यादा कुछ बैक एंड पे पढ़ने के लिए नहीं है फिर भी जरा कपल ऑफ थिंग्स पांच छः उनको बारे में मैं आपको बता देती हूँ बाकी एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर नॉन न्यूक्लियर अग्रेशन अग्रीमेंट है आई वॉन्ट टू रीड ऑल फोर थिंग्स यहाँ पे एन पी टी सी टी बी टी वासनार अग्रीमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रूप कि इंडियन में से किसका मेम्बर है किसका नहीं है ठीक है कौन से इन्फॉर्मल ग्रुपिंग्स है कौन सी नहीं है सो दीज आर दर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर आई वॉन्ट टू गो बैक एंड रीड ठीक है इसके अलावा पैसेजेस वाटर बॉडीज है ना जो भी वर्ल्ड की इम्पोटेंट है इंडिया की इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली मैप में आपको वो करनी चाहिए ठीक uh, uh, तो, um, है एक नॉर्थ ईस्ट गैस पाइपलाइन ग्रिड वॉज अ न्यूज़ तो आई वॉन्ट टू गो एंड रीड अबाउट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इकोनॉमी में यूजली ये इंपॉर्टेंट है बट ऑबियसली क्योंकि Uh, आजकल बहुत ही मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं सो यू कैन गो बैक एंड रीड दिस इज़ वेल ठीक है बाकी मोस्टली चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं जैसे कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है तो एनर्जी वाला जो चैप्टर है आपके एनसीआर से डेफिनेटली पढ़िए इंडिया में कौन सी ज्यादा एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है विंड सोलर राइट ये चीज़ें आपने इकोनॉमी में भी कवर की हैं सो गो बैक एंड रीड अबाउट दैम इज वेल ठीक है हैबिटेबल जोन्स की बात हो रही है तो गोल्डी लॉक जोन क्या है एग्जो प्लान क्या होते हैं आउटर प्लान क्या हैं सो सोलर सिस्टम नीड्स टू बी रिवाइज ठीक है so, be, uh, revised, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ठीक है इसके अलावा ब्रू ब्रूरिया रेफ्यूजी अग्रीमेंट बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है तो जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स इन न्यूज में रही हैं कैसे पता लगेंगी पिछले प्री क्योर्स में देख लीजिए एनसीईआरटी में जो ट्राइब्स हैं और स्पेसिफिकली इन ट्राइब्स का जो कल्चरल एस्पेक्ट है कि कौन से फेस्टिवल्स uh, हैं ये सब आपको पता होना चाहिए ठीक है ऑस्ट्रेलियन बुश फायर बहुत न्यूज में नहीं है तो ध्यान रखिएगा डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि एनडीएमए वाला जो एक्ट है आपका डेफिनेटली उसको पढ़ लीजिए कि डिजास्टर्स किस तरह से हैंडल हो रहे हैं इस एक्ट uh, में कौन सी अथॉरिटीज हैं ठीक है थीके? इन सब चीजों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता Again, है अगेन टनल्स हैं तो जितनी भी न्यू ब्रिजेस या टनल्स इन न्यूज नहीं है डेफिनेटली उनको आपको फॉलो करना है जो कि सारे प्रीक्योर्स में गिवन है वर्ल्ड कैनो वॉज अ न्यूज राइट तो जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के वर्ल्ड कैनो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल अठारह आपको बारन आइलैंड पे क्वेश्चन आया हुआ है कंप्लीटली राइट सो so, बारन आइलैंड है ना ओनली एक्टिव इन इंडिया तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि ना आपको बैक एंड पे पूछ लेते हैं एंड यू शुड नो ऑल दिस, ठीक है? इसके अलावा गति पोर्टल है राइट right? तो ध्यान दीजिएगा जितना भी इंफ्रा है उस पर रोड वाला पार्ट पढ़िए भारतमाला क्या है गोल्डन क्वारलेट्रल क्या है इन जनरल डायमंड डायमंडल क्या है पूरा का पूरा जो इंफ्रा का चैप्टर है एनसीआर से गो बैक एंड रीड ठीक है ऑब्जर्वेटरीज की बात है तो इंडिया और वर्ल्ड की जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरीज हैं उनके बारे में आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए अगर आप क्रैश कॉस के स्टूडेंट हैं मैंने भी काफी डिटेल में कवर किया है साइंस के सर ने भी आपकी काफी डिटेल में कवर किया है यू कैन रीड देम एज वेल ठीक है पार्स कन्वेंशन है तो मेक श्योर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो वी की रिपोर्ट्स हैं एटलीस्ट वो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए व्योम मित्रा है ना पहला फीमेल ह्यूमनॉइड जो इंडिया डेवलप करा है तो इंडिया के जो फ्यूचर मिशन हैं उनकी एक बार आप सीक्वेंस देख लीजिए दिस इज वॉट आई वुड सजेस्ट यू ठीक है सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट येस सो दैट विल बी ऑल ठीक है फ्रॉम माई एंड और बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट uh, नहीं है इस मंथ में ठीक है बहुत ही डायरेक्ट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है सो इट शुड बी वेरी इजी ठीक है चलिए दिन ओके okay, दोस्तों बाय बाय